होता तो ये भीड़ और आ जाती। और इस मंदिर के, इस भूमि के और हम हमारे और इस पलवल नगरी के भाग देखो, जहां पर हम लोग यहां पर आज बैठे हैं, दीदी विराजमान है यहां, जहां ठाकुर जी आने वाले हैं, पहले कई सौ साल यहां पर भीम सरोवर रहा, उसके बाद में कई वर्ष तक यहां पर गऊओं ने अपने पैरों से बड़ी तरीके से इस जमीन को पवित्र किया। अब तीन साल से इसमें संत इस जमीन को, इस धरती को पवित्र कर रहे हैं, तब जाके उसके बाद में ठाकुर जी आएंगे। श्याम प्यारे की जय। और ये जो भव्य मंदिर का निर्माण श्री श्याम प्रेम मंडल के बैनर तले हो रहा है, गुरु जी के आशीर्वाद से और इन्हीं की अनुकंपा से, इन्हीं की देखरेख में ये चल रहा है। अब तक करीब करीब इसमें 3.5 करोड़ के आसपास इसमें खर्चा हो चुका है, वो सब आपसे मांग मांग के हमने इसमें लगाया है। और ऐसी इतने भव्य हाल को देख के जितने भी भक्त, मतलब जो भी आता है, वो हमने इसमें जो भी अनुदान कुछ ना कुछ, जैसे आज की कथा में अभी हमारे पास कुछ तो फोन से डोनेशन आई और कुछ यहीं बैठे सज्जन अभी अनाउंसमेंट कर गए, उसमें 1,11,000 रुपये हमारे नेत्रपाल जी अधाना अभी दे गए, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस खजाने से ये माया आई है, हम एक कामना करते हैं भगवान उनकी दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करे। इसी श्रृंखला में हमारे कृष्ण गोपाल जी फरीदाबाद से, उन्होंने 2,22,000 रुपये, 2,22,000, 1,11,000, वैसे मैं बता दूंगा, आप पूछोगे 2,22,000 का आंकड़ा कैसे है, हमने एक 1,11,000 रुपये की मंदिर निर्माण की एक ट्रस्टी मेंबर की एक फीस रखी हुई है, तो उसमें 1,11,000 और 1,11,000 उन्होंने अपने भी और अपने परिवार से भी, दूसरे भी, तो 2,22,000 रुपये दिए, हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस खजाने से माया आई है, भगवान उनकी दिन और रात चौगुनी तरक्की करे। श्याम प्यारे की। इसी श्रृंखला में हमारे श्री विजय कुमार जी गुप्ता 1,11,000 रुपये फरीदाबाद से, उन्होंने अभी अभी संदेश आया है। और श्री संजय कक्कड़ जी सीए फरीदाबाद से हैं, उन्होंने भी 1,11,000 रुपये का अनुदान दिया है। और एक दिल्ली में हमारे कूचा महाजनी में नेहा ज्वेलर्स के नाम से फर्म है, 1,11,000 रुपये उनका भी अभी भी फोन पे आदेश हुआ है, भाई हमारा इस मंदिर में अनुदान लगना चाहिए, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपकी भावना ऐसी बनी रहे, मंदिर निर्माण अगले साल अगर हम चाहें तो दीदी ठाकुर जी आ जाएं, अगले साल तक ठाकुर जी, दीदी ने भी देखो अब हामी भर दी है, अगले साल तक ठाकुर जी आएंगे, फिर ठाकुर जी के चरणों में बैठ के भजन होगा। श्याम प्यारे की। अब आरती, और मेरी बाहर से आए हुए मेहमानों से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि प्रसाद की व्यवस्था नीचे बेसमेंट में रखी गई है, कृपया जैसे भी ये सुदामा वाले चावल हैं, जैसे भी टूटे फूटे हैं, वो आप इस मंडल के स्वीकार करेंगे। और भक्तजनों से ये एक मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि गेट पे प्रसाद की व्यवस्था है, बड़े आराम से, जब तक पूरी आरती का दर्शन नहीं होगा, आपको आज की कथा का भाव नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा, पूरी बैठ के बड़े आराम से आरती का दर्शन करें, गेट पे प्रसाद की व्यवस्था है, बड़े आराम से लेके जाएं, दो जगह माता बहन एक रही है, भाई एक रही है। श्याम प्यारे की। आरती बैठ कर नहीं, आरती खड़े होकर की जाती है, खड़े हो जाए, ये खोल दो। आरती भक्त माल की करिए, 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 भक्ति माल निजे उर में धरिए, भक्ति माल निजे उर में धरिए, आरती भक्त माल की करिए, आरती भक्त माल की।
जय जय श्री राधे श्याम।